तो 2017 की तैयारियों में जुटा है निर्वाचन आयोग। यूपी के दो दिवसीय दौरे का आज आखिरी दिन रहने वाला है। दो दिवसीय दौरे पर है उप निर्वाचन आयुक्त विजय देव। चुनाव को लेकर तमाम जो आयोग है उसकी लॉ एंड ऑर्डर को सुनिश्चित करना एक बहुत बड़ी चुनौती भी है और प्राथमिकता भी है। 3 साल से एक ही जगह पर जमे जो अफसर है उनको हटाया जाएगा, ये विजय देव ने कहा है। SHO तहसीलदार पर भी चुनाव आयोग की रहेगी निगाह। सोशल मीडिया के जरिए कोई गड़बड़ी न फैले इस पर भी रहेगी निगाह। चुनाव के दौरान वोटर फ्रेंडली हो पोलिंग बूथ, इस पर भी निगाह। विजय देव को सुनते उन्होंने किन किन बातों का प्रमुखता से जिक्र किया। अप्रोप्रिएट एटमोस्फेयर फ्री एंड फेयर इलेक्शंस के लिए कंड्यूसिव किस तरीके से क्रिएट किया जाए उसके सारे बिंदुओं पे विस्तार में चर्चा हुई है। पुराने सारे ऑफेंडर्स वो सभी हमारी वॉच लिस्ट में होंगे। मनी पावर, मसल पावर, लिकर, ड्रग्स, इन सब चीजों का इन्फ्लुएंस इलेक्शंस को विशिएट करने के लिए ना हो पाए, हर किसी के काम को वॉच किया जा रहा है, चाहे वो पुलिस का SHO हो या कोई तहसीलदार हो, जो भी लोग इलेक्टोरल प्रोसेस में इन्वॉल्व हैं। हमारे दिशा निर्देश हैं वो बिल्कुल क्लियर हैं, सिविल साइड पे भी और पुलिस साइड पे भी उसके ऊपर ऑलरेडी बहुत तीव्र गति से काम चल रहा है और आने वाले कुछ दिनों के अंदर ही ये पूरी तरह से हम लोग इंश्योर करेंगे कि वो दिशा निर्देशों का पालन करते हुए वो सारे अधिकारी जो कि उस जगह पे नहीं होने चाहिए वो नहीं रहेंगे।